My God. Just to only leave this mask on for 15 minutes onto your face. This hair mask basically helps to soothe and soften the hair. Hey guys, welcome back to my channel. So, आज की इस वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो ब्यूटी सीक्रेट है वो कुछ DIY हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं और देखने वाले हैं ये जो DIY ब्यूटी सीक्रेट है बॉलीवुड सेलिब्रिटी के वो हमारे स्किन पे वर्क करते हैं क्या, कैसी हमारी स्किन होती है ये सारे DIY यूज करके. सो आज हम सारे सेलिब्रिटी का देखने वाले हैं, प्रियंका चोपड़ा का देखने वाले हैं, कटरीना कैफ का देखने वाले हैं, अनन्या पांडे जी का, माधुरी दीक्षित का, जो जो मेरे को पॉसिबल हुआ है जिन जिनका सेलिब्रिटी सीक्रेट ट्राई करने को और DIY. सो वही मैं आज ट्राई करने वाली हूँ. आपको वीडियो में देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंजॉय है. आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो. सो अभी मेरे को पहली बार देख रहे हो सो हाय, मेरा नाम है संकीता. सो इस चैनल पर स्किन केयर फैशन बहुत सारे वीडियो डालती हूँ और सो आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए. सो नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस करना है. सो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए इसलिए. सो हाय गाइस, सो आज है डे वन. सो आज हम ट्राई करने वाले हैं मतलब करने वाले हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी का वायरल ब्यूटी हैक. सो आज हम फर्स्ट वाला हैक ट्राई करेंगे. इसमें आज हम करने वाले हैं सुबह सुबह आइस का फेशियल करने वाले हैं, आइस क्यूब से फेशियल करने वाले हैं. जो कटरीना कैफ करती है सुबह उठ के आइस का पानी लेती है उसमें अपना फेस को डिप करती है. सो वो सुबह करती है. सो आज हम वही ट्राई करने वाले हैं, देख कैसा लगता है ऐसा करने से और क्या होता है हमारे स्किन में. सो उसके कुछ बेनिफिट्स भी है. ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, स्किन में जो रेडनेस है वो कम हो जाती है और आपके जो पोर्स को टाइट अप करता है और हमारे फेस का जो पफिनेस है उसको भी रिमूव करता है. सो सुबह सुबह उठ के मेरे आईज बहुत ज्यादा पफी लगते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मेरे आईज बहुत ज्यादा पफी हैं. सो देखते हैं कैसा रिजल्ट्स मिलता है. सो दिस इज मेरा सुबह वाला फेस है. मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट मैंने लिप बाम लगाया अपना. सुबह सुबह नहा धो के अभी शूट कर रही हूँ मैं. सो अभी चलते हैं फर्स्ट वाला है ट्राई करते हैं. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आइस क्यूब से मसाज. पर मेरे पास कांच वाला बड़ा वाला बाउल नहीं था जिसमें मेरा पूरा फेस डीप हो जाए, सो इसलिए मैंने स्टील का ये बाउल लिया है. इसमें मैंने पानी भर दिया है ठंडा वाला थोड़ा और इसमें इस छोटे वाले बाउल में मैंने सारे आइस क्यूब मेरे जितने में मेरे फ्रिज में थे उसमें सारे जो आइस क्यूब थे उसको निकाल दिया. और इस जिसमें फेशियल करने वाला है इसमें हम डाल रहे हैं सारे आइस क्यूब. तो ये हो गया ठंडा पानी पूरा आइस क्यूब का. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमको एक मिनट तक करना है ये वाला. सो लेट्स ट्राई दिस. बहुत ठंडा है जाती. इट्स डन, 1 मिनट हो चुका है हमारा. आप मेरे फेस को ध्यान से देखेंगे पहला वाला पिक्चर और अभी का. सो ये जो फेस है मेरा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्मूद लग रहा है मेरे को एकदम. मेरा जो फेस का जो सरफेस है स्मूद हो चुका है, बस इतना ही मेरे को थोड़ा सा फर्क पड़ा है. मैं थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आया मेरे फेस पे पूरा और क्लियर भी दिख रहा है पूरा. समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब अवेक हो चुकी हूँ बहुत, मतलब इतना ठंडा पानी है ना यार. सो अपने इसमें डिप किया ना पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा आपका फेस. और मेरा फोरहेड तो पूरा फोरहेड और जो मेरे चीख है वो पूरे ठंडे पड़ चुके हैं, इतना इसको बहुत ठंडा था वो पानी. सो ये पोर्शन पूरा मेरा बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा है. तो आईज का पफिनेस तो बोलोगे सो पफिनेस तो मेरा इतना कुछ कम नहीं हुआ है. सो मतलब पानी मेरे इधर और इधर ही लग रहा था, इतना पूरा आईज पे नहीं लग रहा था. फिर भी मैं उसके अंदर पूरा ना जो फेस है पूरा डिप किया था. सो आईज में मेरे जो आईज है वो इतने ज्यादा ठंडा नहीं हुआ बिल्कुल भी, बट फोरहेड और चीक ये एरिया मेरा बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है और ऐसा बोल के स्मूथनेस वाला इफेक्ट आया मेरे फेस पे. मार्क्स देते हैं हर एक हैक को. सो इसमें मैं 10 of 10 में उसको 7 मार्क्स दूंगी क्योंकि जस्ट मेरे आईज का पफिनेस तो रिमूव नहीं किया है. सो 10 में से मैं इसको इस हैक को 7 मार्क्स दूंगी. बट ये मैं फिर से ये वाला हैक जरूर ट्राई करूंगी क्योंकि मेरी
ऑयली स्किन है, सो ऑयली स्किन के लिए आईज का जो मसाज है वो अच्छा होता है, आईज का जो फेशियल है वो अच्छा होता है, इससे आपके जो पोर्स है वो टाइट अप हो जाते हैं, सो आपको बार बार ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता। सो अभी हम ट्राई करते हैं हैक नंबर सेकंड, जो कि अरण्या पांडे ने बताया हमको, वो DIY फेस पैक है। उसमें उन्होंने 3 इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, टर्मरिक लिया है, हनी लिया है और कर्ड लिया है। सो देखते हैं वो फेस पैक हमारे फेस पे कैसे कैसा रिजल्ट लाता है। उस फेस पैक के अनन्या ने कुछ बेनिफिट्स भी बताए हैं। सो योगर्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन बिकॉज इट हैज लैक्टिक एसिड इन इट व्हिच एक्चुअली हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ डेड स्किन। सो इट किल्स दोज डेड स्किन्स एंड ऑब्वियसली इट हैज कैल्शियम एंड ऑल दीज अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दैट आर रियली गुड फॉर प्योरिफाइंग एंड क्लेंजिंग योर फेस। And haldi actually is super good for immunity when you ingest it, obviously. So I have haldi water every day in the morning, especially in times like this. It's really important. And it's really good for anti-inflammatory and to calm the redness in your face as well. And honey also has a lot of important nutrients in it. It gives you that glow. It's really good for your skin as well. So abhi hum is face pack ko lagate hain, apne haathon se lagate hain. ये फेस पैक मैं हमेशा लगाती हूँ योगर्ट, हनी और टर्मरिक, बट 1 टेबल स्पून जो टर्मरिक में मेरे को लग रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गई। ये फेस पे स्टेन ना कर जाए, येलोइश ना फेस दिखे, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। सो अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं अपने उसको वॉश करके आती हूँ, उसे रब करके वॉश करके आती हूँ। सो गाइज आई एम बैक। सो अभी मैंने फेस पूरा वॉश कर लिया है, सो आपको क्या लग रहा है, स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? बट मेरे को लग रहा है मेरा थोड़ा सा जो फेस है थोड़ा इंस्टेंट थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है मेरे फेस पे, थोड़ा स्मूथ दिख रहा है और मेरे फेस पे बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया है इस फेस पैक ने। तो कभी कभी क्या होता है फेस पैक लगाने के बाद पूरा फेस ड्राई हो जाता है, सो दिस इज द गुड थिंग। सो ड्राई बिल्कुल भी नहीं पड़ा, थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई दिख रहा है मेरा फेस, थोड़ा सा स्लाइटली येलोइश दिख रहा है मेरा, क्योंकि बहुत 1 टेबल स्पून जो हमने टर्मरिक डाली थी, सो 1 टेबल स्पून थोड़ा कम डालनी चाहिए थी, उसके बाद वो स्टेन नहीं करेगा। सो थोड़ा स्लाइटली येलोइश मेरा फेस दिख रहा है, बट ये जो फेस पैक है बहुत अच्छा वाला फेस पैक है। जो सारे इंग्रेडिएंट है वो सारे ऑर्गेनिक है, सो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आपका स्किन हमेशा ग्लोइंग दिखेगी। सो ये फेस पैक बहुत अच्छा था, सो इसको मैं दूंगी 10 में से 9.5 मार्क्स। सो आज हम ट्राई करने वाले हैं माधुरी दीक्षित जी का सीक्रेट फॉर हेयर के लिए। सो उन्होंने हेयर मास्क रेडी किया है, देखते हैं कैसा है वो, कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए उस हेयर मास्क को रेडी करने के लिए। तो एक बनाना लेकर आप उसको स्लाइस कीजिए, उसके बाद 2 टेबलस्पून योगर्ट लीजिए और 1 टीस्पून हनी। तो ये सब मिक्स करने के बाद आप इसको या तो हाथ से ही मैश कर सकते हैं या ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंडर में मैश कर सकते हैं। दिस हेयर मास्क बेसिकली हेल्प्स टू सूदन एंड सॉफ्टन द हेयर और इट एड्स शाइन टू योर हेयर। सो अभी मेरे बाल देख सकते हो कैसे मेरे डर्टी डर्टी लग रहे हैं और मेरे ना एक्सट्रीमली फ्रिजी हेयर्स है, आप जैसे देख रहे हो नीचे से बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर्स है मेरे और जो मेरे स्कैल्फ में बहुत ज़्यादा ऑयली है, सो डैंड्रफ भी होता है थोड़ा ऑयली स्कैल्फ होने से। तो अभी हम देखते हैं वो DIY हेयर मास्क लगाते हैं और देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आए मेरे फ्रिजी हेयर्स पे। सो यहाँ पर एक दुपट्टा था वो मैंने लगा दिया मेरे टी शर्ट के ऊपर, नहीं तो वो गिर जाएगा जो हेयर मास्क है वो। इतना बाउल भर के मेरा हुआ है 2 टेबल स्पून प्लस हनी और 1 बनाना लेके, क्योंकि मेरे हेयर भी है नीचे, पूरे हेयर को लगाना चाहिए। सो हम लगाते हैं, आप इसको खा भी सकते हैं, स्वीट है बहुत, मैंने ट्राई किया है। बट आज हम ट्राई करने वाले हैं ब्यूटी हैक्स, तो हम पहले अपने हेयर पे लगाते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितना है, तो अभी हम लगाते हैं, ये गिर जाता है, सो संभाल के लगाना है, इसलिए मैंने मेरा दुपट्टा लिया है। मेरा अभी पूरा लगा के हो गया हेयर मास्क, अब ये मेरे को 30-35 मिनट्स रखना है इसको,
उसके बाद वॉश करना है, बट वॉश करते समय माधुरी जी ने कहा है कि कंडीशनर नहीं अप्लाई करना चाहिए क्योंकि मेरे एक्सट्रीमली फ्रिजी हेयर्स है, तो मेरे को हेयर वॉश करने के बाद में हमेशा अपना कंडीशनर लगाती हूँ। बट इस वाले ब्यूटी हैक में, इस डीआईवाई हेयर मास्क में माधुरी जी ने कहा है यू कैन अवॉइड द कंडीशनर आफ्टर यू यूज दिस मिक्सचर, तो इसलिए आपको ये लगाने के बाद नॉर्मल वाटर वॉश करनी है, कंडीशनर नहीं लगाना है आपको। तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक, मतलब मैंने जस्ट हेयर वॉश किया है और अभी मैंने नेचुरली ड्राई होने दिया है मेरे हेयर को। सो नेचुरली ड्राई हुए हैं मेरे बाल और मेरे फ्रिजी बाल से, तो अभी आप देख सकते हो मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया बट इतने सिल्के हो गए मेरे बाल। मैंने जस्ट उसको कोम किया है, देख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, कितने सिल्की हो गए विदाउट कंडीशनर यूज करके। तो बहुत ही सिल्की लग रहे हैं मेरे बाल, मतलब अभी ऐसे लग रहा है कुछ बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो गए मेरे बाल, बहुत ज्यादा थोड़े स्ट्रेट भी दिख रहे हैं मेरे। मैंने उसको नेचुरल ड्राई होने दिया है, 2-3 घंटे गए, बड़ा अच्छे से ड्राई हुए हैं मेरे बाल। सो मेरे को ये हेयर मास्क बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मेरे फ्रिजी बाल को बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी हुए हैं, सिल्की सॉफ्ट भी हुए हैं, बस शाइनिंग भी दिख रही है मेरे बालों को। सो आप देख सकते हो कितने सिल्की स्मूथ दिख रहे हैं मेरे बाल। सो ये हेयर मास्क मैं डेफिनेटली अगली बार जरूर लगाऊंगी क्योंकि मेरे बाल फ्रिजी है, तो फ्रिजी बालों के ये जो मास्क है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सो मेरे से भी ज्यादा इनके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, उनको भी ये हेयर मास्क बहुत अच्छे से सूट हो जाएगा, उनके हेयर भी बहुत शाइनी दिखेंगे जैसे मेरे दिख रहे हैं। आई जस्ट लविंग दिस मास्क, बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट हो गए गाइस मेरे बाल, बहुत आपको शाइन दिख रही होगी मेरे बालों पे। आई जस्ट लव दिस हेयर मास्क। सो अभी हम ट्राई करने वाले हैं प्रियंका जी का हैक, उसके लिए आपको मेकअप चाहिए था। सो मैंने सुबह से मेकअप किया था, तो 6-7 आवर हो गए मेकअप हो गया, रात हो गई, सो रिव्यू करने का टाइम आ गया। सो इसके लिए वो अपना मेकअप जो है वो कुकर से रिव्यू करती है, सो आज हम भी वही करने वाले हैं, कुकर से रिव्यू करने वाले हैं आज हमारा मेकअप। आई यूज ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल व्हिच इज अमेजिंग, दैट्स ग्रेट राइट, लाइक इट गेट्स लाइक अ लिटिल ऑयल एंड वार्म, कीप इट ऑन द फेस फॉर लाइक कपल ऑफ मिनट्स एंड देन टेक लाइक अ मॉइस्ट हैंड टॉवल, लाइक पुट दैट इन हॉट वाटर. And then once it's moist, just like sort of rub it against your skin gently like that, and it exfoliates and hydrates at the same time, and just takes off all your makeup. And so इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल लेना है, 4-5 drops दिए हैं मैंने यहाँ पे, थोड़ा हाथ पे करके थोड़ा सा वार्म करना है उसको, और उसके बाद तो बेसिकली मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, आई मेकअप तो ज़्यादा नहीं करती, बट मैंने आईलाइनर और मस्कारा लगाया था। सो अभी हम उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टॉवल लिया है, उसको मैं थोड़ा सा वार्म किया है, तो उसको थोड़ा सा स्क्रब करके निकालना है। तो आपने कोकोनट ऑयल से अपना मेकअप रिमूव किया है, फिर भी आपको आपका फेस डबल क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि आप वैसे ही सो गई तो आपका फेस और ऑयली हो जाएगा और आपके जो पोर्स है वो आपका ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो इसके लिए आपको ऑयल से हमने रिमूव किया, अच्छी बात है। उसके बाद फिर इससे आपको अपना फेस वॉश करना है, मतलब डबल क्लिनजिंग करनी है। सो इससे आप एक बात क्लियर हो जाओ कि आपका जो पूरा फेस क्लियर होना चाहिए, आपके जो पोर्स है वो क्लियर होने चाहिए। सो अभी इसलिए क्योंकि कोकोनट ऑयल लगाने से पूरा फेस मेरा ऑयली हो गया, तो इसके लिए मैंने अपना फेस वॉश किया अच्छे से पूरा, मेरा फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, अभी नॉर्मल हो गया है। मेकअप कोकोनट वाटर से रिमूव करने के बाद आपको डबल क्लींस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फेस बहुत ही ऑयली और चिपचिपा रहेगा। सो ये हैक बहुत ही अच्छी है, कोकोनट वाटर से अपना फेस कम फेस पर जो मेकअप था उसको आपने रिमूव किया, बट आपने मिसलियर वाटर भी यूज़ करेंगे तो आपको फेस वॉश नहीं करना, नहीं किया फिर भी चलेगा, फिर भी एक बार प्लेन वाटर से वॉश किया फिर भी चलेगा, बट कोकोनट वाटर से करने के बाद क्योंकि वो ऑयल है, सो ऑयल को ऑयल से मेकअप रिमूव करने के बाद हमारा फेस थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो इसलिए आपको फेस से फेस वॉश करना पड़ेगा। तो यह हैक अच्छी है, नहीं तो आप चाहे तो इसका अल्टरनेटिव मिसलियर वाटर भी यूज़ कर सकते हो मेकअप रिमूव करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंजॉयबल लगी हो, बहुत ही यूजफुल लगी हो, कैसे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो सीक्रेट है वो मैंने ट्राई किया मेरे स्किन पे, और आप रिजल्ट वीडियो में देख सकते हो कैसे कैसे मेरे को मिले हैं। और ये वीडियो शूट करते समय मेरे को बहुत ज़्यादा इंजॉय लगी, ये वीडियो शूट करते समय बहुत मज़ा भी आया मेरे को। सो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए, सारे जो DIYs बहुत ही अच्छे हैं, हमारे स्किन पे डेफिनेटली वर्क करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और मेरे इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और
और हो गया, चलो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ.